नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। विश्व महिला दिन अंतर्गत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारे साथ आज है आत्मनिर्भर महिला, जो है उनका नाम है पूर्वा वरनामिया, जो जलाराम खिचड़ी बहुत फेमस है। सूरत में कोई ऐसे लोग नहीं होंगे कि जो जलाराम खिचड़ी में नहीं गए हो, वो उनकी ऑनर है और बिजनेस वूमन है। तो पूर्वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डी खुशालबाई ज्वेलर की ओर से ये आपको गिफ्ट दिया जा रहा है और विश्व महिला दिन की शुभकामनाएं आपको, बहुत आप आगे बढ़े ऐसे शुभकामनाएं। पूर्वा जी के साथ हम बात करते हैं, हमारा जो शीर्षक है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। पूर्वा जी, काफ़ी सालों से ये जलाराम खिचड़ी बहुत सालों से है सूरत में और काफ़ी फेमस है। और पूर्वा जी की बात करें तो पूर्वा जी के साथ आज मुलाकात हम आपसे करवा रहे हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ जानेंगे कि उनकी ये जो ऑनर है तो किस तरह से उन्होंने ये शुरुआत की, उनकी ये रेस्टोरेंट की, और किस तरह से वो रेस्टोरेंट में काम करती है वो हम उनसे जानेंगे। जी पूर्वा जी, तो बताइए आप, आपकी जलाराम खिचड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। और आप एक बिजनेस वूमन है और ये पूरा हैंडलिंग आप करती है, ऑनर है, तो बताइए आप, आपकी लाइफ जर्नी। थैंक यू यामिनी बेन, ये प्रोग्राम के अंतर्गत आपने मुझे इन्वाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ पेश कर सकूँ जलाराम खिचड़ी के बारे में और अपने बारे में। एक्चुअली मैंने ये एक लोरी से शुरुआत की थी 2002 में, एक छोटी सी लोरी से, तीन खिचड़ी कड़ी और एक चीज थेपला लेके बैठी थी। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आए, उसके बाद में और तीन रेस्टोरेंट हमने अपनी खुद की करी, बाद में अपने आप को फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में लेके गए। तो लास्ट 5 ईयर्स से हम लोग फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में हैं। टोटल हमारे खुद के आउटलेट और फ्रेंचाइजी आउटलेट मिलके ये 13 आउटलेट ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने वाह, मतलब 2002 से लेके 2021 तक की जर्नी जो थी वो एकदम शॉर्ट में बता दी कि हमने 13 आउटलेट खोले हैं। बहुत ही अच्छी बात है, एक महिला होके कुछ करती है, काम करती है, तो बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है। और ये खाने पीने की जब बात आती है, सूरत के लोगों के लिए ये इतना फेवरेट है कि जलाराम में लोग जलाराम खिचड़ी जैसे नाम बोला जाता है वैसे खिचड़ी के लिए स्पेशली लोग जाते हैं। तो बहुत तरह की खिचड़ी भी आपके यहाँ बनती है, तो वो कौन बनाते हैं और कैसे बनती है वो? एक्चुअली हमारा सेंट्रल किचन है, वहाँ पे हम लोग खुद ही बनाते हैं, मैं और मेरे साथ दो मेरी सिस्टर है। पूरा प्रोडक्शन खिचड़ी का और बाकी हम लोगों ने एक्सटेंडेड प्रोडक्शन काठियावाड़ी गुजराती फूड और पंजाबी फूड भी, तो पूरा प्रोडक्शन हाउस हम संभालते हैं और 60% प्रोडक्शन वहाँ से होके आता है और बाकी का 40% अपने आउटलेट में होता है। जी, तो प्रोडक्शन का पूरा काम हम लोग ही संभालते हैं, घर के लोग ही संभालते हैं। जी, इसीलिए आपने 13 आउटलेट खोले हैं, क्योंकि जब घर के लोग काम करते हैं, साथ मिल के काम करते हैं, तो उसका परिणाम कुछ अलग ही होता है, मतलब सक्सेस एकदम आसानी से मिल जाती है। आपके साथ और परिवार में कौन कौन है, कौन कौन इस बिजनेस के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं? फर्स्ट फैमिली के ईच एंड एवरी पर्सन मैं बोलूँ तो इन लॉज में भी मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ थे, वो भी हमारे साथ ही थे। मेरी फैमिली के लोग भी, मदर, फादर, सिस्टर्स और ब्रदर इन लॉ, सारे लोग जलाराम खिचड़ी के साथ जुड़े हैं। शुरुआत मैंने करी थी और पूरा परिवार वन बाय वन जुड़ता गया। जी जी जी, मतलब परिवार के सपोर्ट से आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो पूर्वा जी, और भी कुछ मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आप मैनेज करती है, तो परिवार और बिजनेस का जो डिफरेंट है, दोनों को साथ लेके आप चलती है, साथ लेके बिजनेस भी करती है, तो वो मैनेज कैसे कर पाती है आप? एक्चुअली यामिनी मैम, मैं एक बात बताऊँ ना, तो फैमिली का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है।
फैमिली को तो मैनेज नहीं करना होता है, वो हमें संभाल लेते हैं एक्चुअली. और मेरे जो स्टाफ है, स्टाफ मेंबर है, वो भी मेरे लिए एक फैमिली की तरह ही है. तो मेरी ये जर्नी में मेरे लिए परिवार और पूरा, मैं तो पूरा सूरत का धन्यवाद देना चाहूँगी. मेरी ये जर्नी में पूरे सूरत ने बहुत अच्छा, मतलब कभी भी ऐसा एज अ फीमेल मुझे कभी भी ऐसा गलत एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ. जी जी जी. कि एज अ फीमेल ये जर्नी जो है, रेस्टोरेंट लाइन जो है मोस्टली मेल डोमिनेटेड लाइन बोली जाती जी, है. जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल कम फीमेल्स ये लाइन में होते हैं. लेकिन जी इसीलिए तो हमें आप पे प्राउड है, क्योंकि आपने जिस तरह से बात बताई कि खिचड़ी जो रेस्टोरेंट की शुरुआत की आपने, और उसके मतलब खुद आप खिचड़ी भी खुद बनाती है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोगों के लिए आप खाना भी खुद वहाँ पे जिसको देते हैं, मतलब जो खाना खाने आते हैं उनको भी खुद बनाया हुआ चीज़ आप देती है, वो प्राउड जैसी ही बात है. प्राउड करते हैं हम आप पे कि महिला होकर आप सब कुछ मैनेज भी कर रही है. तो आपने जैसे बताया कि तीन चीज़ों से आपने शुरुआत की थी, बट अभी आपके मेनू में काफ़ी सारे चीज़ें होंगी, तो वो सब कैसे मैनेज होता है? एक्चुअली मैंने हमेशा R&D करती रहती हूँ. फूड प्रोडक्शन ये मेरा पैशन है जी. तो यहाँ जो भी हेल्दी और टेस्टी फूड एक्चुअली प्रोवाइड करना होता है, तो मैं कभी भी मैदा यूज़ नहीं करती, फूड कलर यूज़ नहीं करती जी, जी. तो उसमें ही मुझे वैरायटी कैसे ऐड करनी है उसकी R&D मैं खुद ही करती रहती हूँ. तो काठियावाड़ी गुजराती तो हमारा खुद घर का ही खाना है, तो वो घर का खाना ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं. बाद में मैंने एक और क्यूजाइन ऐड किया, देसी फ्यूजन का. तो जैसे भाखरी पिज्ज़ा है, फुलका सैंडविच है, गुजराती सिजलर है, ऐसे ऐड ऑन करती रहती हूँ. और हमारे नए नए आउटलेट पे आपको वो टेस्ट करने को भी मिलेगा. जी जी. तो बिल्कुल बिल्कुल हम टेस्ट करेंगे. जी जी जी. तो पूर्वा जी को आपने सुना बहुत ही अच्छी तरह से, वो ये जलाराम खिचड़ी की ऑनर है और बिजनेस वूमन भी है. बट पूर्वा जी की एक ये स्टोरी नहीं है, और भी काफ़ी बातें हैं जो लाइफ जर्नी में आती है, तो वो भी हम उनके साथ बात करते हैं और शेयर करेंगे ज़रूर आपके साथ. पूर्वा जी आप काफ़ी संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई है, तो वो भी बताइए हमारे दर्शकों को. मैं BNI एक बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोर मेंबर हूँ. और BNI में बहुत सारे लीडरशिप रोल भी मैंने निभाए हैं, और JCI में भी हूँ. JCI भी फाउंडर मेंबर हूँ, और रोटरी में भी हूँ. और अपने जो रेगुलर शेड्यूल में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैं हैंडल करती हूँ और समय देते हैं. जी जी जी. बहुत ही अच्छी बात है. तो जिस तरह से हमारा ये कार्यक्रम है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो हमारी पूर्वा जी बहुत फेमस है, सूरत की नामांकित रेस्टोरेंट की ऑनर है. पूर्वा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. लेकिन जाते जाते हमारी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपनी सारी महिला, नॉट ओनली फ्रॉम सूरत, सारी महिलाओं को और जो भी यंग गर्ल्स है उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अभी जो सिनारियो चल रहा है उसमें बहुत फ्रेंडली सिनारियो है. फीमेल्स आप कुछ भी हेजिटेट मत करिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए लग जाइए, कहीं भी आपको रुकावट नहीं आएगी. आई एम श्योर मैंने बहुत साल पहले स्टार्ट किया था, तो भी मतलब अगर चाहत है अपने अंदर तो रुकावट हमें कभी भी रोक नहीं सकती. जी जी. मैं भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और इतना अच्छा संदेश आपने दिया है, तो मैं भी आपको अभिनंदन देती हूँ, शुभेच्छा देती हूँ कि 13 से 23 तक आप जाए, अपने आउटलेट और भी खुल जाए आपके, अपना सपना वो साकार हो, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से. थैंक यू सो मच. और विश्व महिला दिन की फिर से आप सभी को शुभकामनाएं, एंड ऐसे ही दूसरी ऐसी आत्मनिर्भर महिला के साथ एक मुलाकात हम करेंगे थोड़ी सी देर में, मतलब दूसरे एपिसोड में हम वापस मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. लेकिन जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हमारी सोशल साइट पे जाना पड़ेगा. फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए विथ बेल आइकॉन, ताकि जो भी नए कार्यक्रम हो, जो भी पोस्ट होंगे, ज़रूर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. वेबसाइट इंस्टाग्राम सब पे भी आप विजिट करेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा. तो मिलते हैं वापस, तब तक के लिए नमस्कार.